हेलो फ्रेंड्स, लुपिन से देखिए दोस्तों, लुपिन को मैंने चार्ट ला रखा है और टारगेट डिस्कस करेंगे 27 सितंबर के लिए, राइट। तो देखिए, लुपिन एक गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी बनाया था, इसने हाई बनाया था देखिए 946 का। उसके बाद अगेन जो है 24 सितंबर को 945 का एक हाई बनाया, और वहां से देखिए गिरावट हुई आज के डेट में, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा नीचे आ गया। और राइट, इसने सपोर्ट लिया है 923 पे, वहां से 6.35 पे क्लोजिंग हुई है। सो दोस्तों, मेरा मानना है, देखिए दो बार ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया, राइट, तो इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरा मानना है ये यहाँ से एक बाउंस बैक करना चाहिए, और जैसे ही इस लेवल पे पहुंचेगा 946 पे, ये पहला टारगेट होगा 946। और 946 पे देखिए रेजिस्टेंस भी है, तो 946 जैसे सस्टेन करेगा फिर इससे बड़ी रैली आएगी, और 946 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये लेवल से आप ध्यान रखिएगा। दूसरा शेयर है एमएनएम फिनांस। तो ये देखिए दोस्तों, एमएनएम फिनांस मैंने चार्ट ला रखा है, सेम चीज आप देखिए आज के दिन में क्या हुआ। देखिए 24 तारीख को 24 को देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था 183 पे, और देखिए क्लोजिंग हुई 181 पे। तो मेरा मानना है दोस्तों, देखिए 23 को इसने हाई बनाया था 186 का, वहां से देखिए आज के डेट में ऊपर तो गया, बट थोड़ा सा मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी थी, मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसलिए शेयर भी थोड़ा सा नीचे आ गया। तो मेरा मानना है दोस्तों, देखिए चार्ट एक अपट्रेंड में है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करेगा, बाउंस बैक करने का पूरा चांसेस है। पहला टारगेट 183, 183 क्रॉस किया 185, और ये लेवल भी क्रॉस किया तो आपको जो है 187 तक का लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये लेवल सब ध्यान रखिएगा।